पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पागबड़ा में हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 26,44,715 रुपए बरामद किए। पूछताछ करने पर पता चला कि ये रुपए टोल टैक्स के हैं, जिन्हें बैंक में जमा करने के लिए कर्मचारी ले जा रहे थे। ब्यौरा दिखाने के बाद रुपए वापस लौटा दिए गए। इंस्पेक्टर अजय कुमार गौतम ने बताया कि शुक्रवार को हाईवे पर चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान एक कार आई जिसे रोककर चेक किया गया, जिससे 26,44,715 रुपए बरामद हुए। पूछताछ करने पर बताया गया कि ये रुपए टोल टैक्स के हैं, जिन्हें बैंक में जमा करने जा रहे थे। इसके बाद टीम ने रकम का ब्यौरा मांगा तो कर्मचारियों को ब्यौरा दिखा दिया गया। सूचना मिलने पर टोल टैक्स के अधिकारी भी पहुंच गए। इसके बाद ब्यौरा देखने के बाद रकम लौटा दी गई। हमें असल में कहीं से सूचना मिली थी कि किसी वैन से कैश जा रहा है। वैन का जो नंबर है, वैन का नंबर है 21AC 3545। तो जब हमें सूचना मिली तो हमने फिर टोल टैक्स से आगे, मुनापाने टोल टैक्स से आगे, मैं अपनी स्टेटिक टीम के साथ यहाँ पे चेकिंग करी। जो कैश था वो मैं चेक करा तो उसमें 26,44,715 रुपये का कैश था। वो जब हमने चेक करा तो वो टोल वालों का असल में कैश निकला और हमने उनके कागज़ चेक करे। हमारे कोतवाल साहब अजय कुमार गौतम जी ये मौका है, मतलब मौके पर आए, उन्होंने उनके कागज़ चेक करे, तो कागज़ भी असली थे। सब कागज़ का हमने ब्यौरा लिया। उसके बाद में सीटो साहब से बात करी, सीटो साहब ने कहा जब कागज़ ओके हैं, सब कुछ ओके है, बैंक में पैसे जा रहे तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो इसके बाद तब पश्चात हमने वो पैसे छोड़ दिया। हाँ, डॉक्यूमेंट की कॉपी ले ली है कोतवाल साहब ने, सभी की कॉपी ले ली है और हमने पूरे डॉक्यूमेंट चेक करे, डॉक्यूमेंट ओके थे।